जानते हो मेरे मॉन्स्टर्स की फौज का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, और इसीलिए तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। तुम्हें लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, खास तौर से तुम्हारा एक फैन तो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। चीरो तुम सब कैसे हो दोस्तों? शहर के बाहरी इलाके में घूमते हुए मुझे एक सुपर रोबोट पड़ा मिला। उसके बाद से मेरी जिंदगी पहले की चमत्कारी ताकतों से भर गई। रोबोट उनकी जागी थे और मुझे चीरो को उसका लीडर बना दिया गया। हमारा काम शुगासुम शहर को स्केलेटन किंग से बचाना। अब मैं तुम्हें मिलवाऊंगा आज तक की सबसे शानदार सुपर हीरो टीम से। अच्छा, तो हम लोग कौन हैं? मेरा मतलब टीवी पर इन्हें देखकर ही मैं सुपर हीरो बनना चाहता था। तो मिलो सन राइडर से। ये अपने सनगन से किसी भी मॉन्स्टर को मिनटों में ढेर कर सकती है। बस भी करो। सोलर हेलमेट हॉटशॉट सुपर क्वेसर। ये सनराइडर्स का लीडर है और इसमें हजारों सूरज की ताकत है। ब्लैक होल कर दे कुल। और ये है जॉनी सनस्पॉट। ये इतना होशियार है कि अपनी टीम के सारे गैजेट्स यही बनाता है। ये अपने दस्तानों से ब्लैक होल बना सकता है। ब्लैक होल शक्ति हमेशा स्थिर नहीं रहती है। अगर ये दस्ताने इसी तरह जोड़ता रहा तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर डालेगा। ठीक है मिस्टर वैज्ञानिक। और ये इनके सन साइकल्स अच्छे है ना? और इनके पास दुनिया का सबसे बढ़िया नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे बढ़िया सुपर रोबोट है। धूल चटा दो। रोशनी अंधेरे से जीतती है। जीतती रहेगी। यही सोचो, यही बोलो, यही करो। स्केलेटन किंग की बहुत सारी ताकतें शहर पर धावा बोलने आ रही है। ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? हम इन सबको कच्चा चबा जाएंगे। मंकी टीम तैयार हो जाओ। Cruiser 5, go! Fast Rocket 4, go! Fist Rocket 3, go! Red Scrambler Pilot 2, go! Torso Tank Driver 1, go! अलग होने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अब तस्वीरें मिल रही हैं। वो बॉम्बलेस किसी के पीछे चल रहे हैं। ओ नहीं, ये
मान लो सनराइडर्स, मेरी शक्ति के सामने तुम्हारी कुछ नहीं चल पाएगी। हमें मदद करनी होगी। बैटल फॉर्मेशन अल्फा 7 हाइपर फोर्स गो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा नाम चीरो है और ये है मेरी अपनी सुपर रोबोट मंकी टीम। तुम्हारी बैग सोलर है ना जिसे चलती है। स्केलेटन किंग तुम्हारे पीछे भी पड़ा है। तुम लोग तो बस टीवी पर आते हो, क्या तुम असली हो? बेशक चीरो, शो खत्म होने के बाद हम कुछ और करना चाहते थे। हमने अब नाटक की जिंदगी छोड़ दी है और बुराई के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए हैं। यानी स्केलेटन किंग के खिलाफ। हम उसे जानते हैं। हे, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम आपस में हाथ मिला ले और साथ मिलकर उस बूढ़े शैतान का मुकाबला करें। ये जोरदार आइडिया है। चीरो, बाद में, अभी मेहमान नवाजी। न्यूट्रॉन जनरेटर, स्पेक्ट्रल एनर्जी ग्रिड, क्वांटम पल्स टर्बाइंस और बोलते मंकी काफी अच्छी तरकीब है। हा? तरकीब? ठहरो, आखिर तुम हमारी बोली कैसे समझ लेते हो? यहाँ मॉडर्न ट्रांसलेटर है। ये रोबोट हमारी इस जंग के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, वैसे हम अपनी परेशानियाँ बिना इसके हल करने की कोशिश करते हैं। बेशक, कौन लड़ना चाहेगा जब ये इस लायक है ही नहीं। पूरी टीम में अकेली लड़की होना बड़ा मुश्किल होता है ना? नहीं, अगर लड़की मेरी जैसी हो। तुम्हें मानना पड़ेगा चीरो, यहाँ पर कमाल का सेटअप लगाया है। हाँ, शुक्रिया। अच्छा, वैसे तुम्हारा सुपर रोबोट नेब्यूट्रॉन 7 कहाँ पर है? हमें उसे स्टारबेस एक्स 22 भिजवाना पड़ा क्योंकि उसे मरम्मत की जरूरत थी। कमाल है, मैंने कभी किसी स्टारबेस एक्स 22 के बारे में नहीं सुना। ये एक सीक्रेट है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया वो कहाँ है तो फिर मुझे तुम्हें मारना होगा। जब तक ये मंकी तुम्हारी बाइक्स ठीक करता है, मैं सोच रहा था तुम मुझे कुछ सनराइडर्स बेहतर और करतब सिखा दो। तो चीरो, ये बहुत दिलचस्प रहेगा, लेकिन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं होगा। हम वादा करते हैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। सुनो चीरो, ऐसे हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी उम्मीद भी ना हो। मेरी ख्याल से चीरो ने साबित कर दिया है कि वो इस लायक है। सही कह रही हो, बस अब इसे दे ही देते हैं। स्केलेटन किंग से मुकाबले में हमारी मदद करने के बदले में हम तुम्हें बनाते हैं सनराइडर्स का सदस्य। इससे मुझे सनराइडर्स का एपिसोड नंबर 16 याद आ गया, जिसमें तुम्हारा शैतान जुड़वा भाई तुम्हें सोलर जैक जैकेट पहनाकर तुम्हें भटका देता है। ओ हाँ, मुझे सब कुछ याद है। लोग हो, ऐसा क्यों किया? हम स्केलेटन किंग के वफादार हैं। हम जैसी शक्तियाँ पाने का सपना देखते थे उसने हमें सच में दे दी, और अब सिर्फ हमारा काम है तुमसे और तुम्हारे मंकियों से छुटकारा पाना। ये क्या? तुम्हारी मोटरसाइकिलें ठीक हो चुकी हैं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरे हीरोज असल में इतने बुरे लोग हैं। खैर, अब मैं तुम लोगों को असली मजा चखाऊंगा। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं चीरो। हे गिब्सन, यहाँ की लाइट तो बुझाओ, मैं चाहता हूँ यहाँ का नजारा मजेदार हो जाए। लेडी थॉमहॉक, टक्कर लगा दी आरी आरी, मैग्ना सिंगलर ब्लास्ट। अभी हमने तुम्हें अपने सारे स्पेशल इफेक्ट्स कहाँ दिखाए हैं? सुपर सोलर स्ट्राइक। तुम पर ये बहुत भारी पड़ेगा। जी।
जीरो, हमें पीछे हटना होगा। इन शैतान बंदरों ने मेरी गाड़ी चुरा ली और हमने उनकी। अब जल्दी करो और पता लगाओ इसे चलाते कैसे हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं, वो असली पायलट नहीं है, सिर्फ टीवी पर पायलट की एक्टिंग करते थे। इस वक्त वो एक्टिंग नहीं कर रहा है। इस तरफ नहीं, उस तरफ, उस तरफ। उनके पास स्केलेटन किंग के गैजेट्स है और हमारा सुपर रोबोट भी, हम बर्बाद हो गए। कोई इस बात से हीरो नहीं बनता कि वो कैसे औजार इस्तेमाल करता है, बल्कि वो अपने मकसद से हीरो बनता है। तो फिर हम किसी काम के हीरो नहीं, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम एक जायंट रोबोट ढूंढ ले, जैसे कि नेब्यूट्रॉन 7। चिरो, मुझे नहीं लगता कि हम उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। यकीन मानिए, हमने सुपर रोबोट को अपने कब्जे में ले लिया है। वो बच्चा और उसके मंकी अपनी दम दबाकर वहाँ से भाग लिए। मैंने तुमको उनका नाम और निशान मिटाने के लिए शक्ति दी थी। हे, हमारे पास उनका रोबोट है, तो हम अब और ताकतवर हो गए हैं। शायद अब हमें तुम्हारा हुक्म मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक नादान कमल बच्चे हो। ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग नाटक करते करते थक गए हो, तो अब कुछ असली करके दिखाओ। ये वो पुराना टीवी स्टूडियो है जहां सनराइडर्स की शूटिंग हुई थी। मेरे ख्याल से यही स्टार बेस X-22 है। मैं समझ गया। नेब्यूट्रॉन 7। इसका बाकी का हिस्सा कहाँ है? उस तरफ। टीवी पर काफी बड़ा दिखता था। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मुझे यकीन है ये मजबूत होगा। बहुत हुआ, मैं हार मानता हूँ। अगर ये कोई टीवी शो होता तो हम हार मान सकते थे, मगर ये असली दुनिया है बच्चे। और असली हीरो कभी हार नहीं मानते। जाहिर है इस बात का पता हमें बहुत जल्दी ही चल जाएगा। नेब्यूट्रॉन 7 का क्रू अब तैयार है। सोलर मोशन एक्सेलरेटर गो। एक्सेलरेटर 1 गो। एक्सेलरेटर 2 गो। नेब्यूट्रॉन स्पीड बर्स्ट गो। ये लोग इस पुराने कबाड़ में बैठकर नया क्या करने वाले हैं? पता नहीं, पर हम इनको अपनी असली ताकत दिखाते हैं। अब ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कॉमेट ग्लोबर को तैयार करो। कॉमेट ग्लोबर तैयार। इन्हें हराना आसान है। मंकी टीम, डटे रहना।
बचपना बहुत हो गया चीरो। नेब्यूट्रॉन डिफेंस एक्टिवेट करो। शाबाश टीम, बस कैप्टन हमें यहाँ से ऊपर ले चलो। वो उसे उड़ा कैसे रहे हैं, उन्हें मार गिराओ। Goodbye, Super Robot Monkey Team. उन्होंने मशीन बंद कर दी। तो क्या, हमारे पास शक्तियां हैं, चलो उनका इस्तेमाल करें। उन्हें एक दूसरे से अलग रखना ताकि वो सुपर सोलर न बना सके। हाइपर फोर्स गो। तैयार सुपर सोलर स्ट्राइक। तुम तो मुझे चाहते हो। मैं चाहता हूँ पर ये नहीं। तुमने मौका गवा दिया छोटू। मेरा हेलमेट। तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई नए पैतरी या हारे हुए साथियों के सहारे की जरूरत नहीं, जबकि मेरे पास ये है। उसने ब्लैक होल ब्लैकआउट शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। ओके गिब्सन, मुझे उम्मीद है तुम तैयार हो। ओके जॉनी, तुम जीत गए, हम हार मानते हैं। स्केलेटन किंग तुम्हें खत्म करना चाहता है। मेरा जो चाहे कर लो, पुराने दोस्ती की खातिर बस एक बार अपनी ब्लैक होल ब्लैकआउट शक्ति दिखा दो, जिसका तुमने एपिसोड नंबर 16 में इस्तेमाल किया था। तुम वाकई शो के बहुत बड़े फैन थे। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ चीरो। मेरा नाम चीरो है, समझे? तुम सही थे, अपने दस्ताने साथ में मिलाना उसके लिए नुकसानदायक था। इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी बात सुना करो। स्केलेटन किंग, हमें एक और मौका दे दीजिए। तुम्हारी ऐसी हालत देखने के बाद अब तुम्हें और मौका नहीं मिलेगा। मैं उस बच्चे को हरा सकता हूँ। तुम पहले ही उससे भी बुरा काम कर चुके हो। तुमने उस बच्चे का अपने हीरोज पर से भरोसा उठाने में मेरी मदद की है। बेकार सनराइडर्स। हेरो चीरो, ये तो तुम्हारे आदर्श थे ना, जिन्हें देख कर तुम भी हीरो बनना चाहते थे। हाँ शायद, टीवी के हीरो ठीक है, पर मेरे दोस्तों का कोई मुकाबला नहीं, वो असली हीरो हैं। हाँ?